हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज देखते हैं कि लंच में हम क्या बनाते हैं। आज है थर्सडे, तो आज हम कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी के साथ क्या बनाएंगे, जो कि है हमारा फेवरेट और बच्चों का भी, तो चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो हम कढ़ी बनाने के लिए एक कप बेसन लिया है, एक कप पानी डाल के इसको घोल लेते हैं। पहले पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना पानी डालेंगे जिससे बहुत ही स्मूथ घुल जाए, इसमें एक भी लम्स ना रहें। तब इसमें और पानी डाल कर इसको कर लेंगे पतला। अगर कढ़ी आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि बाद में हमें पानी ना मिलाना पड़े और कढ़ी हमारा सही बने, तो आप इसी समय एक कप बेसन में कम से कम 6 से 7 कप पानी डालें, तो कढ़ी आपका परफेक्ट बनेगा। नहीं तो बाद में अगर गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप उसमें बॉयल ही पानी डालें, ठंडा पानी डालने से कढ़ी फट जाता है। तो कढ़ी को हम पहले बनाएंगे सिंपल, तो बाद में मिलाएंगे दही। आप किस तरीके से कढ़ी बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो हम इसमें चलिए और पानी डालकर अपने बेसन को कर लेते हैं पतला, और पतला करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसालों को। कढ़ी तो बनेगा हमारा सिंपल ही, लेकिन हल्का मसाला डालेंगे जिससे हमारा कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर फ्रेंड्स आप कढ़ी बनाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। है तो सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये कढ़ी हमारा बनता है। इसमें चलिए हम कुछ मसालों को डाल देते हैं, जिसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे मीट मसाला, और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी। इन सबको डालकर हम अच्छे से बेसन के घोल में मिला लेते हैं, जिससे मसाले भी हमारे फूल जाते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। यह तो कढ़ी सिंपल है, लेकिन इन मसालों के साथ ये काफ़ी टेस्टी बन जाता है। और मसाले भी ज़्यादा इसमें नहीं डालते हैं, मसालों को हम ऑयल में नहीं भूनेंगे, इसी बेसन में डालेंगे, जिससे एक अलग टेस्ट आता है और काम भी हमारा आसान हो जाता है। तो चलिए पैन को हम रख दिए हैं गैस पर, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। कढ़ी में वैसे भी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कम ऑयल में ही हमारा बहुत ही टेस्टी कढ़ी बन जाता है। तो ऑयल हो गया है गर्म, इसमें हम डाल देंगे तड़का में जीरा और थोड़ा सा हींग और कड़ी पत्ता। इसी फ्लेवर के साथ ही हमारा सिंपल कढ़ी बनेगा। और इन सबको हल्का सा ऑयल में सौते कर लेते हैं। इसमें हम खड़ा सूखा लाल मिर्च भी डाल देंगे, और कुछ देर इनको कुछ सेकंड ही ऑयल में सौते करेंगे। जैसे ही जीरा का कलर चेंज होगा तो इसमें हम घोल कर रखे हुए बेसन को डाल देंगे। पहले हम आँच को धीमा कर देंगे। बेसन को हम अच्छे तरीके से चला लेते हैं, क्योंकि घोल कर रखे थे तो बेसन हमारे नीचे ना बैठ गए हों, तो अच्छे तरीके से घोल लेंगे और इनको हम पैन में डाल देंगे और चलाते रहेंगे, और फ्लेम को कर लेंगे हाई। हाई फ्लेम पर इनको लगातार चलाएंगे। शुरू में आप कढ़ी को लगातार चलाएं, नहीं तो ये पेंडी में बैठ जाएंगे और गुटके भी हो जाएंगे। इसीलिए जब भी आप कढ़ी बनाएं तो शुरू में ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कढ़ी बहुत ही आपके अच्छे रनिंग फॉर्म में बनेंगे और उसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे। तो फ्लेम हाई रहेगा, जब तक यह बॉयल नहीं होंगे तब तक फ्लेम हाई रहेगा, और उनको लगातार चलाते भी रहेंगे। और जब यह बॉयल होने लगेंगे तब इनको हम छोड़ सकते हैं। कढ़ी बनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इनको लगातार चलाना पड़ता है। जैसे ही बेसन गर्म होते हैं बहुत ही जल्दी यह गाढ़ा होने लगते हैं। तो देखिए बेसन हमारे काफ़ी गाढ़ा हो गए हैं, लेकिन इनको हमें पकाना है, तो मीडियम फ्लेम पर हम इनको 2 से 3 मिनट लगातार पकाएंगे। हम पानी डाले थे सही मात्रा में, तो बेसन से ये कढ़ी भी हमारा है परफेक्ट। अभी इसमें हम बाद में दही डालेंगे, तो इसका बैलेंस बाद में ये पतला में हो जाता है। अब इस कढ़ी में हमें डालना है बड़ी, यह उड़द की बड़ी है। इनको हम बनाकर पानी में सोख करके रख दिए थे, तो पानी में से इनको इस तरीके से छान कर बॉयल होते हुए कढ़ी में डाल देंगे, जिससे अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और पानी में डालने से यह फ़ायदा भी रहता है कि जो ऑयल में हम फ्राई किए थे वो ऑयल भी पानी में ही रह जाता है। तो इस तरीके से अब गैस को कर देंगे ऑफ और इनको एक साइड रख देंगे, और इसमें डाल देंगे नमक। तो फ्रेंड्स, नमक हम अक्सर लास्ट में ही डालते हैं, जिससे बिल्कुल बेसन या कढ़ी हमारा फटता नहीं है। अब इसके साथ खाने के लिए ये बनाएंगे अपना मनपसंद टेस्टी आलू का बनाएंगे टिक्की, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल है और काफ़ी टेस्टी लगता है। अक्सर हर घर में यह टिक्की बनता है,
हमें तो जब खाने की इच्छा होता है तो हम चाय पर भी इसको बना लेते हैं। एक आलू छील लिए हैं और उसको हम चिप्स वाले कटर से गोल गोल कुछ मोटे स्लाइस में काट लेंगे। चाकू से यह गोल गोल बराबर नहीं कट रहे थे, इससे बहुत ईजिली ये बराबर कट जाते हैं। तो ये कट गए हैं। अब इस टिक्की को बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, तो हम ले लिए हैं आधा कप बेसन और पानी के साथ इनको हम घोल कर एक गाढ़ा पेस्ट की तरह बना लेंगे। बेसन में इस आलू को डिप करना है, इसीलिए घोल हमारा उसी तरीके से थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको इस तरीके से गाढ़ा घोल लिए हैं और इनको चटाकेदार बनाने के लिए जीरा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्चा और हल्दी। आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं या सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। तो इन सबको चलिए इसमें डाल दिए हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस टिक्की में ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, सिंपल मसाले में ही हमारा टिक्की काफ़ी टेस्टी बनता है। और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे। अब नमक को भी कर लिए मिक्स। पैन में हम थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, इनको फ्राई नहीं करेंगे यानी डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़े से ऑयल में बहुत ही अच्छे से यह सेक जाते हैं, क्रिस्पी भी हो जाते हैं और ऑयल भी काफ़ी कम लगता है। तो इसी तरीके से हल्का सा 2 चम्मच ऑयल हम पैन में डाल दिए हैं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो आलू को हम बेसन के घोल में डिप करके पैन में डाल देंगे। जितने पैन में आलू आएंगे आराम से उनको हम डाल देते हैं और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पर ही इनको आराम से हम तलने देते हैं। आलू को हम पहले से बॉयल नहीं किए हैं, कच्चा ही है तो और थोड़ा सा मोटा भी है, तो इनको पकाने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम इनको 1 मिनट ढक कर रख देते हैं, जिससे आलू नीचे से लाल भी हो जाते हैं, क्रिस्पी भी हो जाते हैं और पक भी जाते हैं। अब तो आलू पक गए हैं, अब इनको दूसरे साइड पलट लेंगे और दूसरे तरफ भी इनको क्रिस्पी लाल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आलू की टिक्की बनाते हैं कि नहीं, अगर बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम तो अक्सर इसी तरीके से बनाते हैं, ऑयल भी कम लगता है और बहुत ही टेस्टी है हमारे टिक्की भी लगते हैं। अब कढ़ी में हम दही नहीं डाले थे, दही डालेंगे। अब जब कढ़ी ठंडा हो जाता है या हल्का गर्म रहता है तो आप दही को डाल सकते हैं। दही को अच्छे तरीके से फेंट कर स्मूथ कर लेंगे और कढ़ी में मिला देंगे। आप कढ़ी में दही कब मिलाते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दही को छौंका के समय डाल देते हैं या बेसन में मिला के डालते हैं या बाद में डालते हैं। हम तो अक्सर इसी तरीके से डालते हैं और इससे कढ़ी भी काफ़ी टेस्टी लगता है और ये टेंशन फ्री कढ़ी बनता है। इसमें ना दही फटने का डर रहता है, ना बेसन फटने का डर रहता है और बहुत ही मज़ेदार ये हमारा कढ़ी बन जाता है। तो हमारा ये लंच का थाली सेट हो गया है, चलिए जाते हैं खाने। और जो कढ़ी के साथ हमारा बचा था बड़ी, उससे हम बना लेंगे दही बड़ा। इसके ऊपर हम डाल देंगे इमली की चटनी, खट्टी चटनी और दही, और इसके ऊपर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा घर का बना हुआ एक नमक है उसको डाल देते हैं, जिसमें जीरा और काला नमक सब कुछ है। तो खाने के साथ ही हमारा दही बड़ा भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थाली कैसा लगा ज़रूर बताएं।